तो हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है लाइट वीड्स को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट्स एंड अमेजिंग वीडियोस। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंटन के एक फेरी टाइप एलियन पेस्किडस के बारे में, और इस वीडियो में आपको उसके बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट भी जानने को मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस आज हम बात करेंगे बेंटन के काफी छोटे से और काफी यूनिक एलियन के बारे में, जिसका नाम है पेस्किडस। दोस्तों पेस्किडस बेन का एक ऐसा एलियन है जो कि काफी ज्यादा कम दिखाया गया है, उसका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से यार बहुत सारे लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा। बट गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पेस्किडस के बारे में और बहुत सारे फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। दोस्तों पेस्किडस का जो होम प्लेनेट है वो है नेम्यूनिमस 5 और इसकी स्पीसीज का नाम है नेम्यूइना। दोस्तों नेम्यूइना स्पीसीज का तो हमें अपीयरेंस बेंटन ओमनियोस के सबसे पहले ही एपिसोड में दिखाया गया था, हाँ सिर्फ एक सीन के लिए। दोस्तों पेस्किडस की जो बॉडी है एकदम फेरी जैसी है, और हाँ उसकी एबिलिटी भी फेरी जैसी है। हाँ आखिर एक फेरी टाइप एलियन है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या कि पेस्किडस के पास कौन सी पावर्स है, कौन सी एबिलिटीज है। दोस्तों पेस्किडस जो अपने अंदर से एक टाइप की जो है स्लीपिंग डस्ट जो है जनरेट करता है, जिसकी मदद से वो किसी को भी जो है सुला सकता है। और तो और कैसे, जो पेस्किडस अपनी ये डस्ट की मदद से किसी को भी गहरी नींद में तो सुला ही सकता है, बट उसके ड्रीम्स भी कंट्रोल कर सकता है। पेस्किडस ने जो जिसको सुलाया है वो उसको उसके ड्रीम के अंदर उसका सबसे बड़ा फियर दिखा सकता है, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा डर जाता है, एक टाइप से वो नाइटमेयर दिखाता है। और तो और जो पेस्किडस है वो सिर्फ ड्रीम्स को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको देख भी सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, और किसी को भी उसके सपने में जाके उसको कोई भी मैसेज दे सकता है। दोस्तों पेस्किडस काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं और काफी ज्यादा एजाइल होते हैं, और वो काफी स्पीड से फ्लाइट कर सकते हैं। बट जैसे यहाँ पे नेम्यूनास की जो एबिलिटी होती है टेक्नोलॉजिकल या फिर रोबोटिक अपोनेंट्स पे काम नहीं करती है, और गटरोट की स्पीसीज पर भी इसका कोई भी असर नहीं होता है। दोस्तों नेम्यूनास जो है मिली कॉम्बैट में जो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यार उसका साइज बहुत ही कम होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कम होती है। और दोस्तों नेम्यूनास के नेचुरल प्रेडेटर भी होते हैं, पर दिखाए तो नहीं गए, पर हमें ऑफिशियली बताया गया है। तो चलिए सब मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट बताता हूँ पेस्किडस के बारे में। दोस्तों जो पेस्किडस का प्लैनेट है नेम्यूनिमस 4, वहाँ पे उसकी स्पीसीज के बीच में एक जो कॉम्पिटिशन इवेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि वो कुछ ड्रीम से रिलेटेड वो कंपटीशन करते हैं, और उसके बारे में अभी तक हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दोस्तों बेंटन के आर्ट डायरेक्टर डेरिक जे व्याट ने हमें बताया था कि जो पेस्किडस अगर किसी को सुला रहा है तो उस पर अगर पानी भी स्प्लैश कर दिया जाए फिर भी उसको नहीं उठाया जा सकता, जब तक पेस्किडस ना चाहे। दोस्तों पेस्किडस की जो स्पीसीज है नेम्यूइनास, उसका जापानीज में मतलब होता है आई एम फीलिंग स्लीपी। तो गाइस ये थी पेस्किडस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप ये वाले अमेजिंग वीडियोस देख सकते हो।